एमडी आहुजा जी, राकेश ललानी जी, जगदीश गुरनानी जी, नेशनल सिंधी कॉन्क्लेव में उपस्थित सिंधी समाज से जुड़े हुए अलग अलग संगठनों के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर उपस्थित सभी सिंधी समाज के प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, देश भर से आए हुए सिंधी समाज के अलग अलग संगठनों और पंचायतों से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों का मैं देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राज्य के रूप में जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर आपका यह कॉन्क्लेव दो दिवसीय कार्यक्रम पूरे उत्साह और उमंग के साथ यहां पर आयोजित हो रहा है। इसमें समाज की प्रगति के साथ साथ समाज से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर आप लोगों ने न केवल चिंतन मनन किया बल्कि अपनी भावी कार्य योजना को भी आगे बढ़ा करके समाज के उन महानुभावों को जिन्होंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से समाज का तो सम्मान बढ़ाया ही है बल्कि राष्ट्र के गौरव को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, उन सबको सम्मानित किया है। और मुझे प्रसन्नता है 6 ऐसे महानुभावों को अभी मंच पर पाकर के और उन्हें सम्मानित करके उत्तर प्रदेश की धरती पे उन्हें सम्मानित करवा करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति भी। मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। नेशनल सिटी कॉन्क्लेव में उनका जो सम्मान हुआ है इसके लिए उनको मैं बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि सिंधी समाज भारत के सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका एक अभिन्न पार्ट है और अपनी परिश्रम और पुरुषार्थ से जिस कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाया वह सम और विषम परिस्थितियों के साथ जूझते हुए कार्य करते हुए उन्होंने लगातार इस अभियान को जारी रखा। विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारना, शून्य से शिखर तक की यात्रा कैसे होती है भारत के अंदर सिंधी समाज उसका एक उदाहरण है। अरे केवल 1947 के देश के विभाजन की त्रासदी के समय ही नहीं बल्कि इससे पहले भी आज हम सब पूज्य झूलेलाल जी के प्रति जिस श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है पूज्य झूलेलाल जी का वह स्वयं एक वरुण देवता के अवतार के रूप में माने जाते रहे हैं और मानव कल्याण के लिए सिंध की धरती पर उनका अवतरण होना, मानव कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना और उसके माध्यम से आताइयों को भी उन्होंने इन सब कार्यों से अलग करने की भी प्रेरणा दी, लेकिन साथ साथ समाज को भी एक नई दिशा देने का कार्य किया। आज यही कारण है कि पूज्य झूलेलाल जी का संस्कृति महोत्सव सिंधी समाज से जुड़ा हुआ समाज देश के अंदर जहां कहीं भी रहता है पूरी श्रद्धा के साथ और सम्मान के साथ उसको आयोजित करता है। मुझे झूलेलाल जी के महोत्सव में मुझे गोरखपुर के आयोजनों में कई बार जाने का अवसर प्राप्त होता था और मैं इस बात को देखता था कि महोत्सव पूज्य झूलेलाल जी का होता था लेकिन महोत्सव में जो झांकियां निकलती थी वह भारत की राष्ट्रीयता से ओतप्रोत झांकियां होती थी और बड़ी प्रेरणादायी झांकियां निकलती थी। मुझे लगता है कि आज भी राष्ट्रीयता का यह भाव सिंधी समाज में कूट कूट करके भरा हुआ है और इस संबंध में अगर राष्ट्रीयता के भाव को देखना है तो
शहीद भीमों का बलिदान तो हम सबके सामने नहीं है। मुझे रायपुर में सनाड़ी दरबार में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और यहां पर भी शिव शांति आसुताराम जी के आश्रम में भी मुझे कई बार इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं मान सकता हूं धार्मिक कार्यक्रमों के जन जागरण के साथ साथ समाज में जन चेतना जागरूक करने, सनातन धर्म के मूल्यों की रक्षा करने, भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करने और अपने व्यवसाय में भी शून्य से शिखर तक की यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य सिंधी समाज ने किया है और वह अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि समाज इस प्रकार के नेशनल कॉन्क्लेव करता है, जो मुझे बताया गया कि 225 से अधिक प्रतिनिधि पूरे 10 देश के 10 राज्यों से इस नेशनल कॉन्क्लेव में यहां पर उपस्थित हुए हैं। कॉन्क्लेव का मतलब ही होना चाहिए कि समाज का आंतरिक कार्यक्रम दोनों प्रकार की, एक तरफ उपलब्धियों पे चर्चा होनी चाहिए और उपलब्धियों को हाईलाइट किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने क्या खोया है, किन कारणों से खोया है, उस पर भी चिंतन होना चाहिए। समाज की प्रगति के दौरान अगर कहीं कोई कमी रह गई है, उस कमी के परिमार्जन का माध्यम भी इस प्रकार के मामले बनने चाहिए। होता है समाज जब आगे बढ़ता है तो अच्छाई के साथ साथ बुराई भी उसके साथ साथ चलती है, लेकिन बुराई का परिमार्जन करने वाला समाज अच्छाई के मार्ग को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता है तो वह एक लंबी यात्रा तय करता है, निर्विघ्न यात्रा को तय करता है। और मुझे लगता है कि भारत के अंदर रहने वाला सिंधी समाज वह पूरी तरीके से भारत के अंदर ऐसा रस बस गया है, क्योंकि वह भारत में अलग तो पहले भी नहीं था, अखंड भारत का हिस्सा। भारत में दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन, उसका सर्वाधिक शिकार सिंधी समाज हुआ, लेकिन उसने तब भी उफ नहीं की, गिरा लेकिन खड़ा होकर के फिर तेजी के साथ दौड़ता हुआ अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। ये शानदार यात्रा है, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारना। उस समय की त्रासदी दुर्भाग्यपूर्ण थी, 1947 में जब देश का विभाजन होता है, ये विभाजन टाला जा सकता था, रोका जा सकता था। एक व्यक्ति की महज जिद ने देश को विभाजन की त्रासदी की ओर ले गया, लाखों लोगों का कत्लेआम होता है, भारत का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में चला जाता है, लेकिन आज भी विभाजन की त्रासदी आतंकवाद के रूप में हम सबके सामने दंश समानता पर दिखाई देता है। भाइयों बहनों, ये तो देश का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद भारत के अंदर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आतंकवाद को, उग्रवाद को, किसी भी प्रकार की अराजकता को कभी मान्यता नहीं दे सकता। अगर मानवता के कल्याण का मार्ग हमें आगे बढ़ाना है तो हमें उस प्रकार की किसी भी दुष्प्रकृति को, जो समाज की सुरक्षा के लिए, सभ्य समाज के नाम पर कलंक हो, उसको पूरी तरीके से समाप्त करना ही होगा। और यह प्रेरणा कहीं और से लेने की आवश्यकता नहीं, ये तो हमारे धर्म ग्रंथ इस बात की निरंतर प्रेरणा देते रहे हैं। पूज्य झूलेलाल जी का जो उत्सव मनाया जाता है वह भी इसी बात की प्रेरणा देता है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा भी इसी बात के लिए करता है, उन्होंने भी इसी बात के लिए कहा हमें सज्जनों का संरक्षण करना है लेकिन दुर्जनों को सफाया भी करना है, दुर्जनों को समाप्त भी करना है। ईश्वरीय अवतार का कारण भी यही होता है, और केवल अपने स्वयं के लिए नहीं, वह तो
मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए और उस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सिंधी समाज इस बात को जानता है। उन्होंने विभाजन के बाद वहां पर छोड़ी हुई अपनी भूमि अनेक को प्यारी होती है। सिंधी समाज से जुड़े बहुत लोग सिंध से आकर भारत कराते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले यही लखनऊ में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सिंधी समाज से जुड़े हुए सिंध से आए हुए लोगों ने किस प्रकार कितनी आपनीति सुना रहे हैं। दिल्ली में उनके कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब भी हम देखते थे किस प्रकार की राजनीति से भी आदमी गुजर करके वहां पर अपने धर्म अपनी परंपरा अपनी संस्कृति को बचाते हुए कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर हमें एक सुखद और अच्छे माहौल में प्रगति की नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी मजबूती प्रदान करने के लिए, इससे 1947 जैसी त्रासदियां फिर से कभी ना आने पाए, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए और इसके लिए हम में से हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वह प्राथमिकता है कि राष्ट्र प्रथम है, पहला हमारे लिए हमारा देश। हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की चूक नहीं करते, और कोई भी हो, हमारा सगा ही क्यों ना हो, अगर वह राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें सदैव खड़ा होना पड़ेगा, मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, देश है तो धर्म भी है, धर्म है तो समाज भी है, और समाज है तो हम सबका अस्तित्व भी है। हमारी प्रायोरिटी इसी प्रकार से करनी है और उसी प्रायोरिटी को बनाते हुए हमें कार्य करना होगा, वही परंपरा को हमें आगे बढ़ाना होगा। और अस्तो देश के अंदर विरासत के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं, तो लखनऊ में अगर आए हैं तो लखनऊ से अयोध्या की दूरी बहुत नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की दूरी में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जर्मनी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, विरासत का सम्मान नहीं है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए, 6 वर्ष पहले क्या था, आज काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी कैसे चमका रहा है। वापसी में अगर विंध्यवासिनी धाम होते हुए प्रयागराज होते हुए फिर आप अपनी आगे की यात्रा करें तो आपको लगेगा कि विरासत के प्रति ही भाव हमारे मन में भी होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण लगातार जोड़िए। अगर वे अपने इतिहास के बारे में जानकारी रखेंगे, अपने पूर्वजों की धरती के बारे में जानकारी रखेंगे तो उसे प्राप्त करने के लिए किसी न किसी दिन उन्हें सफलता भी जरूर प्राप्त होगी। नेशनल सर्विस कॉन्क्लेव का आयोजन आपने जिस उत्साह से किया है, मैं यहाँ पर गोरखपुर से यहाँ लखनऊ से जुड़े हुए अपने जितने भी इसके आयोजक गण हैं इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप इसमें जुड़ा अच्छा है, समाज जुड़े वह राष्ट्र को जोड़ने का एक माध्यम बनना चाहिए। और जब यहाँ पर आए हैं तो अगल बगल के धार्मिक स्थलों का भी उनका विजिट होना चाहिए, वहां दर्शन होना चाहिए, वहां पर किसी भी प्रकार के अन्य देखना चाहिए क्या कुछ नया हुआ है, देखने की आवश्यकता है, उसको बताने की आवश्यकता है। एक कार्यक्रम सिलसिला आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है बहुत कुछ नया पूर्वतम होता हुआ दिखाई देगा। मैं एक बार फिर से आज सिंधी समाज के जिन महानुभावों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट किया है, न केवल अपने समाज का बल्कि राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है,
उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। देश भर से आए हुए सिंधी समाज के प्रतिनिधियों का लखनऊ में अभिनंदन करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि मोमेंटम बराबर बना रहना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।